हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे बहुपद, पॉलिनोमिनल्स। क्लास 10th की ये जो एक्सरसाइज है ये चल रही थी अपनी, और इसमें हमने बात की थी पिछली बहुलक की भूमिका और बहुलक के शून्यकों की बात की थी इसमें। तो बहुलक की भूमिका और शून्यकों के बारे में मैंने आपको अवगत करा दिया था कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, और शून्य के यदि कोई ग्राफ दिया हो तो उससे हम शून्य के कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे, आज इसी में तीसरा पॉइंट था हमारा, किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों, शून्यकों के योग व गुणांकों के मध्य में संबंध। ठीक है, तो टॉपिक अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था बहुलक। ठीक है, क्लास 10th का है ये। ओके, क्लास 10th का है जिसको हम पढ़ने वाले हैं आज। इसमें है अपना जो तीसरा टॉपिक है, क्या है कि किसी बहुलक के योग शून्यक के गुणांकों व योग में संबंध। ठीक है, आज अपना ये टॉपिक है इसी में। अब बात करते हैं, पहले हम द्विघाती जो बहुपद है उसका जो बात करते हैं कि द्विघाती जो बहुपद है उसका जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है। द्विघातीय जो बहुपद है उसका व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस में सी। ठीक है, ये अपना जो द्विघातीय जो बहुपद होता है ये इसका व्यापक रूप होता है। अब हम करें क्या है इसमें कि माना कि हम दो शून्यक मान लेते हैं, माना दो शून्यक, माना दो शून्य क्या क्या, एक तो मान लेते हैं हम अल्फा और एक मान लेते हैं हम बीटा। ठीक है, द्विघातीय बहुपद है, हमने इसमें क्या मान लिया, शून्य मान लिया, एक तो मान लिया हमने अल्फा और एक मान लिया बीटा। यदि हम बात करें इसमें कि शून्यकों का, अब कहा क्या है कि शून्यकों के गुणांकों में योग। ठीक है, तो शून्यकों का क्या निकाल लेते हैं हम, गुणांक। तो शून्यकों के गुणांक में क्या संबंध होता है, शून्यकों का गुणांक। जब शून्यकों का हम क्या निकालते हैं दोस्तों, शून्यकों जब हम गुणांक निकालते हैं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, अब गुणांक को हम कैसे लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब आपको होगी ये सी कहां से आया, तो देखिए ये दे रखा है। ठीक है, ये हुआ है ना। अब यहीं पे शून्यकों का योग निकालें, यदि हम शून्यकों का योग, तो शून्यकों के योग को कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बटे ए। ये यहां पे प्लस में है, इसका कोई मतलब नहीं है कि भाई ये यहाँ प्लस में या माइनस में। ठीक है, यहां पे तो आपको माइनस लगना है। ठीक है, उसके बाद में बी की जो भी वैल्यू हो वो रखनी है, आगे मैं समझाऊंगा कैसे, माइनस बी और अपॉन ए। ठीक है, तो ये क्या आ गया, शून्यकों का ये तो हो गया गुणांक सी अपॉन ए, और ये हो गया शून्यकों का योग माइनस बी अपॉन ए। अब द्विघात बहुपद को ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। आगे यदि जैसे बहुपद में शून्यकों का गुणांक दिया हो, ठीक है, शून्यकों के योग दिए हो, तो आप बहुपद ज्ञात कैसे करोगे, कैसे करोगे भाई, ये बात तो आपके सामने आती है ना बात। ठीक है, तो शून्यकों यदि ये दे रखे हैं, शून्यकों का गुणांक और शून्यकों का योग दे रखा है, तो द्विघात जो बहुपद है उसका समीकरण आप कैसे ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात करोगे, तो उसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या कहता है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना। अब ज्ञात करेंगे कैसे, कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस
अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा बीटा, ये होता है। ठीक है, ये क्या होती है हमारी, ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने का क्या होता है, सूत्र होता है। यदि समीकरण देखिए, आपको एक बात बता दूं कि जो द्विघात मैं यदि बहुपद बोलता हूं तो वो px के बराबर में होगी। ठीक है, वो किसके बराबर में होगी, px के बराबर में। और यदि मैं समीकरण बोलता हूं तो जो दिया हुआ है ना, जो दिया है उसके बराबर में शून्य होगा। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है एक तो बहुपद कहने में और एक समीकरण कहने में, समझ रहे हो। बहुपद यदि मैं कहता हूं तो वो px के बराबर होगा। ठीक है, और यदि मैं कहता हूं कि समीकरण, तो px की जगह वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य, शून्य के बराबर हो जाएगा, समझे। ठीक है, आगे हम एग्जांपल की यदि हम बात करें तो आपकी किताब का एक एग्जांपल है, एग्जांपल मैंने लिख के रखा हुआ है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स, द्विघात बहुपद क्या है, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस दस। ठीक है, ये आपका समीकरण दिया हुआ है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस दस के शून्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने हैं, अब हमको शून्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, और शून्यकों के योग तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या हमें करनी है, जांच करनी है। क्या करनी है, जांच करनी है। अब करेंगे कैसे, ये किसके बराबर होगा, px। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है। अब हम इसको समीकरण में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, बराबर जीरो कर देंगे, करेंगे या नहीं। ठीक है, बराबर जीरो हो गया, क्या हो गया, जीरो हो गया। अब आप सब इसको करना तो जानते ही होंगे कि इन दोनों का गुणा, ठीक है, इन दोनों का गुणा, समझ रहे हो, इन दोनों के योग, मतलब इस संख्या का ऐसे टुकड़े करो कि उनका गुणा करने पे तो इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए। ठीक है, और जोड़ने घटाने पे वो इसके बराबर आ जाए। ठीक, दो टुकड़े करेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया, फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस दस बराबर जीरो। ये तो आपको आता ही होगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं आपसे, और यदि ये नहीं आता ना तो नवी क्लास आप दोबारा से पढ़ें। ठीक है, x इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लूं, ठीक है, x प्लस पांच, आगे इस इन दोनों में से दो कॉमन आ जाएगा, कुल मिला के वो संख्या कॉमन लेनी है कि ये दोनों संख्या जो कोष्टक में जो ये प्राप्त हो ना, ये दोनों बराबर हो जानी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, समझ रहे हो। बराबर क्या है, जीरो। अब एक तो मैं इसको ले लेता हूं x प्लस दो, ठीक है, एक तो इन दोनों को ले लेता हूं x प्लस दो, और एक इनमें से एक ले लूंगा, लूंगा ना। ठीक है, ये क्या हो गया, जीरो। अब ये दोनों क्या है, बराबर किसके हैं, जीरो के हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, x प्लस टू बराबर जीरो और x प्लस पांच बराबर जीरो। ठीक है, तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस दो, और ये x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पांच। अब देखिए, ये दो शून्य प्राप्त हो गए, हम इसको एक को अल्फा और एक को बीटा मान सकते हैं ना, ये तो अल्फा मान लिया मैंने, अल्फा बराबर माइनस दो और बीटा बराबर क्या आ गया, माइनस का पांच, समझ रहे हो। अब हमें क्या करनी है, सत्यता की क्या करनी है, हमको जांच करनी है, क्या करनी है, जांच करनी है। ठीक है, दो तो ये आ गए, ये क्या आ गए, शून्य, समझ रहे हो ना। अब हमको क्या याद करना है, हमें सत्यता की जांच करनी है कि ये शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणांक वाला, ठीक है, उसके द्वारा। अब देखिए यहां पे ये a की वैल्यू क्या है, लिख दूं यहां पे, a क्या है, b की वैल्यू क्या है, यहां पे सात है, तो b बराबर क्या हो गया, सात, और c की वैल्यू क्या है, यहां पे दस है, c बराबर क्या हो गया, दस, समझ रहे हो। अब शून्यकों का योग, और योग मैंने क्या बताया था आपको, माइनस बी बटे ए बताया था,
बताया था ना, तो शून्यकों का योग कहने का मतलब मैं इसको इधर कर देता हूं, शून्यकों का योग की यदि हम बात करें तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बटे ए, अल्फा का मान कितना है माइनस टू और बीटा का मान कितना है माइनस पांच बराबर, ठीक है। आगे माइनस बी का मान कितना है, यहां पे ये माइनस तो है, बी का मान कितना है सात है तो माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है। बटे ए का मान कितना है एक है, ये कितने हो गए माइनस टू और माइनस फाइव, ये हो गए माइनस के सात बराबर माइनस सात। तो एल एच एस बराबर क्या आ गया आर एच एस, ठीक है। तो इसका मतलब शून्यकों का योग बराबर आ गया, तो शून्यकों के योग से तो ये सिद्ध हो गया। अब हमें किससे करना है, शून्यकों के गुणांकों से, शून्यकों का गुणा क्या है, शून्यकों का गुणा, ठीक है, शून्यकों का क्या है गुणा या ठीक है क्या है शून्यकों का गुणा क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर मैंने क्या बताया था सी अपॉन ए, क्या बताया था सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है माइनस टू और बीटा कितना है माइनस का पांच बराबर सी कितना है यहां पे दस है ना, तो दस बटा कितना है एक है ना, ये माइनस गुणा माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, दो पंजे दस बराबर ये भी दस आ गया। तो कहने का मतलब यहां भी एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, हुआ या नहीं, तो ये सिद्ध हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि शून्यकों के गुणांक वियोग के बीच मतलब संबंध की सत्यता की ये जांच हो गई ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपके सवालों में आगे जो आएंगे उनको हल करना है। एक उदाहरण और बता देता हूं मैं आपके लिए, समझ में तो आया होगा या नहीं आया, चलिए नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक और कर लेते हैं इसी तरीके का, आपकी किताब का ही उदाहरण है, आप देख सकते हैं आप अपनी किताब। हाँ एक बात, जब भी आप क्लास लेने बैठे तो अपनी किताब आपके सामने रखें, ठीक है, ताकि आप अपने जो प्रश्न हैं उनको अच्छे से पढ़ पाएं और समझ पाएं, ठीक है। मेरा काम है यहाँ पे समझाने का, आप समझें अच्छे से समझें पढ़ें, और कहीं भी आपको यदि दिक्कत आती है तो आप मेरे को अवगत करा सकते हैं, वो भी आप कमेंट के माध्यम से, ठीक है। अगला यदि हम बात करें तो बहुपद, आपका जो अगला जो एग्जाम्पल है वो दे रखा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस तीन के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के योग व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है, ठीक है, करनी है ना। तो बहुपद क्या दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस तीन, ये क्या दे रखा है आपको, बहुपद दे रखा है, पी एक्स बराबर मानेंगे क्योंकि ये बहुपद है। अब हम इसको जब हम समीकरण में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस तीन बराबर क्या हो गया जीरो, एक्स स्क्वायर बराबर ये हो गया तीन, एक्स बराबर क्या हो गया प्लस माइनस रूट थ्री। अब देखिए दो शून्य आ गए, एक तो अल्फा मान लेते हैं भाई, एक तो प्लस में है ना रूट थ्री और एक माइनस में, तो अल्फा बराबर प्लस रूट थ्री मान लेते हैं और बीटा बराबर क्या मान लेते हैं माइनस का रूट थ्री, ठीक है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कि शून्यकों के योग के मध्य में सत्यता और गुणांकों के मध्य में गुणा के मध्य में सत्यता, ठीक है, दोनों बराबर आ जाने चाहिए। शून्यकों का योग जो दे रखे हैं ना दोनों पक्ष एल एच एस और आर एस एस, दोनों बराबर आने चाहिए और शून्यकों के जो गुणांक है वो भी बराबर आने चाहिए। अब देखिए इसमें, अब देखिए ये समीकरण है ना, अब इसमें ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू एक है, ठीक है, बी की वैल्यू कुछ दे रखी है क्या, एक्स का कोई गुणांक है नहीं है ना भाई, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो तो मैंने बताया था कि जो बहुपद है उसका जो व्यापक रूप है वो क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो दे रखी है तो ए है, वो मान लीजिए ए बराबर कितना आ गया एक आ गया बी एक्स,
क्या यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, एक्स का गुणांक दिया है क्या? नहीं दिया ना, तो क्या हो गया, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जीरो, और सी की वैल्यू माइनस तीन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेनी है, ठीक है, ताकि आपको बड़ी आसानी रहे समझने में, और वहां पे इन फॉर्मूला जो भी है, इनके मध्य में जो भी संबंध है उसमें इनको वैल्यू को रखने में आसानी रहे। ठीक है, तो शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान देखिए कितना है, प्लस का रूट थ्री है, और अगला बीटा का मान कितना है, माइनस का रूट थ्री, ठीक है बराबर। अब बी का मान क्या है, जीरो, बी का मान क्या है, जीरो, और ए का मान क्या है, ए का मान क्या है, ए। अब ये प्लस का रूट थ्री और ये माइनस का रूट थ्री, ये क्या हो गए, जीरो, और इधर भी क्या आ गया अपना, जीरो। तो एल एच एस ये तो हो गया आरएचएस ये पक्ष तो, और ये हो गया एलएचएस, अतः हम कह सकते हैं कि एलएचएस बराबर आरएचएस, ये हो रहा है ना भाई, ये दोनों बराबर हो गए ना, ये दोनों पक्ष हो गए ना, ठीक है, तो ये अपना सिद्ध हो गया। अगला करना क्या है, शून्यकों का गुणांक, या शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा। अब शून्यकों का गुणा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता है, अल्फा का मान कितना है, प्लस का रूट थ्री, तो रूट थ्री, बीटा का मान कितना है, तो माइनस का रूट थ्री है या नहीं, बराबर। ये क्या है, सी का मान कितना है, माइनस का तीन, और ए का मान एक, रूट थ्री इंटू रूट थ्री तीन आ जाएगा, और माइनस का चिन्ह प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस, ठीक है, तो माइनस का तीन बराबर, ये भी माइनस का तीन, ठीक है, तो इसमें भी एलएचएस बराबर क्या आ गया, आरएचएस। अब एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है, ठीक है, तो ये सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, उदाहरण बस इतने ही, अब आते हैं हम अपनी जो प्रश्नावली है उस पर। आप इसको उतारना चाहें, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने। अब अगले तरीके का जो वो है ना उदाहरण, उनको भी करा देते हैं, ये छोड़ने वाले नहीं है उदाहरण, क्योंकि आपको इनसे ही आएगा समझ में, एक बार आप उदाहरण भी कर लें साथ ही साथ में। अब अगला उदाहरण क्या कह रहा है, अगले जो उदाहरण है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कहा गया है कि एक द्विघात बहुपद, किताब में देख लीजिए आप अपनी में, ठीक है, किताब खोल के रखनी है। क्या कहा है कि एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग, क्या शून्यकों का योग, पूरा प्रश्न पढ़ देते हैं एक बार, कि एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से माइनस तीन और दो है, ठीक है, तो शून्यकों का योग कितना दे रखा है, शून्यकों का योग माइनस तीन और गुणा शून्यकों का लिख देते हैं यहां पे, ठीक है, वो दे रखा है दो, ठीक। अब ये दोनों चीज दे रखी है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो मैंने बताया था आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या होता, क्या है, जो
फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, होता है या नहीं होता, होता है या नहीं होता, तो यही होता है ना। अब देखिए हमको शून्यकों का योग दे रखा है, शून्यकों का योग ठीक है एल्फा प्लस बीटा दे रखा है ना, कितना है माइनस का तीन, और शून्यकों का गुणा दे रखा है एल्फा इंटू बीटा दे रखा है, क्या है दो है दे रखा है या नहीं। अब हम इन मानों को इसमें रख देंगे तो हमारा जो बहुपद है वो प्राप्त हो जाएगा, बहुत ही सरल है ठीक है। रख दीजिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक्स वो एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का तीन, ये माइनस का चिन्ह और ये माइनस तीन एक्स ठीक है, प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना है दो है, इसको आगे हल कर दीजिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस गुणा माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस थ्री एक्स प्लस टू। अब ये क्या आ गया अपना बहुपद प्राप्त हो गया, हुआ या नहीं, हुआ या नहीं, अरे भाई समझ में आई या नहीं आई उसको बताया करो ठीक है। समझ में आ गया होगा तो इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप ठीक है। लो पट गया मैं साइड में, अरे बच्चों घबराने की तो आपको है ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, देखिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको कि क्या होगा क्या नहीं, सब कुछ अच्छा होगा और अच्छे से मैं उम्मीद भी कर रहा हूं कि आप सबके समझ में आ रहा होगा। भाई दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, मूर्ख और बुद्धिमान, संगति हमें दोनों की करनी चाहिए, पर दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, एक तो मूर्ख भी होता है और बुद्धिमान भी होते हैं, लेकिन हमें संगति दोनों लोगों की करनी चाहिए। क्यों कि मूर्ख आदमी जो है सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना ठीक है, मूर्ख आदमी जो करता है ना वो हमें नहीं करना, और बुद्धिमान आदमी हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, समझ रहे हो। तो संगति तो हमें दोनों प्रकार के लोगों को करनी चाहिए, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके अपने आप को नियंत्रण करके हमें ये देखना चाहिए कि बुद्धिमान आदमी क्या कर रहा है वो हमें करना चाहिए, और जो मूर्ख है उसकी तो जो कर रहा है उनको तो छोड़ ही देना चाहिए, उसकी संगति करो और ये सोच के कि वो जो कर रहा है वो नहीं करेंगे हम ठीक है। तो आपका ये उदाहरण हो गया। अगला है एक उदाहरण जो एग्जाम्पल है आपका वो है त्रिघात वाला, क्या है त्रिघात वाला, उसको हम मैं एक बार समझा देता हूं ठीक है। त्रिघात वाला ये उदाहरण चलिए उदाहरण है समझाऊ क्या मतलब, प्रश्न को करते करते बता देंगे ठीक है। जांच कीजिए कि त्रिघातीय बहुपद पी एक्स थ्री एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस ग्यारह एक्स और ये कितना है माइनस का तीन है ठीक है, ये दे रखा है आपकी किताब का ही है ये एग्जाम्पल के शून्यक तीन माइनस एक और माइनस एक बटे तीन है। इसके पश्चात शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की हमको बोध क्या करनी है, सत्यता की हमें क्या करनी है जांच करनी है, क्या करनी है जांच ठीक है। तो इसके जो तीन शून्यक दे रखे हैं, तीन शून्यक दे रखे हैं, एक तो है एल्फा एल्फा एक बीटा और एक मान लेते हैं हम गामा मान लेते हैं ठीक है। तीन शून्य कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो है तीन ठीक है, एक है माइनस एक और एक है माइनस एक बटा तीन। अब क्या करना है हमें इसके शून्यकों व गुणांकों के बीच में सत्यता की हमको क्या करनी है जांच करनी है। अब इसके देखिए गुणांक क्या है इसके, ए बराबर कितना है तीन, बी बराबर माइनस पांच, सी बराबर माइनस ग्यारह और डी बराबर क्या है माइनस का तीन है
है या नहीं है? अरे है या नहीं है? अब देखिए, ज्ञात क्या करनी है हमें, शून्यकों व गुणांकों के मध्य में संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। एक तो इसमें होता है कि अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। एक तो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए, एक तो हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है। दूसरा होता है अपना अल्फा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। एक है ये होता है अपना, और ये क्या होता है सी अपॉन ए, क्या होता है सी अपॉन ए, और एक होता है हमारा अल्फा बीटा और गामा बराबर क्या होता है माइनस डी अपॉन ए, क्या होता है माइनस डी अपॉन ए। अब इनके मध्य में हमको संबंध ज्ञात करना है, ठीक है। ये दे रखे हैं ना। अब त्रिघात में जो ये होते हैं ना, इस तरीके से होती है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आप निकाल दोगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम निकालें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हम निकालें तो कितना है माइनस बी अपॉन ए, है ना, है या नहीं है। तो अल्फा का मान कितना है तीन है, बीटा का मान कितना है माइनस का एक है, ठीक है माइनस का एक, और गामा का मान कितना है माइनस का एक बटा तीन बराबर, ठीक है। बी का मान कितना है, बी का मान माइनस का है पांच, तो माइनस माइनस प्लस पांच, ठीक है। और ए का मान कितना है तीन, ए का मान कितना है तीन है या नहीं है। अब देखिए होगा क्या, होगा क्या, ये तीन माइनस एक गया दो बचे, ठीक है। तो दो माइनस एक बटा तीन, और जब हम इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा पांच बटा तीन, ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा पांच बटे तीन बराबर पांच बटे तीन, इसका मतलब इन दोनों में संबंध की सत्यता की जांच हो गई ना, एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। अगला है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या है अपना सी बटे ए, होता है ये, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा करो, अल्फा इंटू बीटा जब हम करेंगे तो माइनस का तीन, ठीक है। बीटा इंटू गामा कर लीजिए, बीटा इंटू गामा करेंगे तो प्लस का एक बटा तीन, समझ रहे हैं। और गामा इंटू अल्फा करेंगे तो माइनस का एक बराबर सी बटे ए क्या है, सी का मान कितना है माइनस का ग्यारह, और ए का मान कितना है तीन, ठीक है। जब हम उनको हल करेंगे ना तो माइनस ग्यारह बटा तीन बराबर माइनस ग्यारह बटा तीन आ जाएगा, एल एच एस बराबर आर एच एस, आप हल करके देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें एक और बचा है अल्फा बीटा और गामा, ठीक, अल्फा बीटा और गामा बचा है। अब इसको हम हल कर लेंगे, इसको भी हल कर लेते हैं। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, माइनस का डी अपॉन ए होता है, होता है नहीं होता, ठीक। तो अल्फा कितना है तीन, बीटा कितना है माइनस वन, और गामा कितना है माइनस एक बटा तीन बराबर, डी कितना है माइनस का तीन है, और यहां पे माइनस का चिन्ह माइनस माइनस प्लस, तो तीन बटा और तीन, ये तीन से तीन गया माइनस गुणा माइनस ये एक बराबर एक, इसका मतलब एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आपके ये उदाहरण यहां पे खत्म हो जाते हैं। अब करते हैं हम प्रश्नावली की शुरुआत, जिसमें देखिए मैं आपके लिए एक दो प्रश्न कराऊंगा और बाकी के आपको खुद ही करने हैं, समझ रहे हैं। और वैसे यदि मैं बात कहूं कि प्रश्नों की, तो कराने की वैसे आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारा कुछ उदाहरण के माध्यमों से मैंने समझा दिया है। आपके जो प्रश्न हैं वो इसी तरीके के हैं, पर फिर भी कोई बात नहीं, हम करा देते हैं, एक बार देखते हैं समय कितना हो गया। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हमें ज्ञात करने शून्य, ठीक है, और शून्य को तो गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की ज्ञात क्या करनी है, जांच करनी है, ठीक है। गुणांकों
शून्यकों के मध्य में सत्यता की जांच करनी है। ठीक है भाई, एक प्रश्न करा देता हूं, एक या दो, और उसके बाद आपको ही करना है। ठीक, तो पहला प्रश्न है इसमें, पहला प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस आठ। ठीक, यह है पहले प्रश्न का पहला। अब इसमें कहा क्या है कि पहले तो बहुपद के क्या ज्ञात करने हैं हमको, शून्य ज्ञात करने। ठीक है, हम शून्य ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स स्क्वायर इसको तोड़ लीजिए, इसको यदि हम तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे। ठीक है भाई, इन दोनों का अंतर माइनस टू आएगा और इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर आएगा, आएगा ना। ठीक है, प्लस का आठ बराबर जीरो आता होगा ये आपको। ठीक, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस चार और ये माइनस टू कॉमन ले लिया, और यहां भाई ये गलती हो गई ना, ये माइनस ये प्लस, हाँ ये माइनस का आएगा। ओहो ओहो ओहो, सवाल ही गलत है शायद, ये माइनस का आएगा यहां पे। ठीक है, सवाल गलत लिख गया, कोई बात नहीं है। ये कितना आएगा यहां, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस फिर क्यों लूंगा मैं कॉमन। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस चार बराबर जीरो। ठीक है, सवाल आपका ये है, इसके जब हम टुकड़े करेंगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा माइनस टू और इन दोनों का गुणा आ जाएगा इन दोनों के गुणा के बराबर। ठीक है, इसमें से x मैंने इन दोनों में से कॉमन लिया तो x माइनस चार अंदर बचा। ठीक है, प्लस ये टू जब मैं कॉमन लूंगा तो x माइनस चार। ठीक है, अब एक तो इन इनको ले लेते हैं, इसको और इसको। ठीक है, तो x प्लस टू और एक ले लेते हैं हम इन दोनों खानों में से कोई एक। ठीक है, ठीक है, सवाल गलत लग गया था, ऐसे नहीं कि आप उछलने कूदने लग जाएं। ठीक है, सवाल गलत लग गया था। और अब देखिए x प्लस टू बराबर एक तो हो गया जीरो, ये बराबर दोनों के ही है जीरो। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख लेंगे अलग अलग करके, और x माइनस चार बराबर जीरो, तो ये x बराबर माइनस का टू आ जाएगा और ये x बराबर फोर आ जाएगा। इसको हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर माइनस टू, और ये मान लेते हैं हम बीटा बराबर चार। ठीक है, इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, इसको अल्फा मान सकते थे, इसको बीटा मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ये मैंने अल्फा माना है, इसको हम बीटा भी मान सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कहा है कि दो शून्यक, शून्यक तो हमारे आगे, ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये क्या है, अरे ये है शून्यक, क्या है शून्यक आ गए हमारे। अब गुणांक, अब गुणांक इनके क्या क्या है। ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, क्या है ए मानते हैं ना, तो उसका वो क्या है, एक है। एक्स का गुणांक क्या है, खाली माइनस टू है, तो बी बराबर माइनस टू, और ये क्या है सी, सी बराबर ये जो गुणांक है। ठीक है, ये कितना है माइनस का आठ। ठीक, अब गुणांकों का क्या करना है हमें, योग, वो शून्यकों का योग क्या होता है, तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अब ये शून्यकों और गुणांकों के मध्य में संबंध है या नहीं है, तो इसकी हमें क्या करनी है, जांच करनी है, क्या करनी है जांच। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है माइनस टू और बीटा का मान कितना है चार। ठीक है, बराबर माइनस बी, देखिए ऊपर ये कितना है माइनस टू है, तो ये दो हो जाएगा भाई, ये माइनस का, यहाँ पे माइनस कितना पहले से ही है मौजूद, तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बटे ए, ए का मान है एक, तो ये माइनस का दो गया इसमें से, तो ये ठीक है एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, एचपी हेंसप्रूफ अपने ये हो गया। अब हमें क्या याद करना है, अब हमें गुणांक
के मध्य में गुणा, वो शून्य को का गुणा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। ठीक है, एल्फा इंटू बीटा, एल्फा का मान माइनस दो और बीटा का मान चार बराबर। देखिए सी का मान कितना है, माइनस का आठ और ए का मान एक, ये माइनस का आठ बराबर, ये भी माइनस का आठ, ये दोनों हो गए ना बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो गई, सत्यता की जांच। यहां पे लिख देंगे हम सत्यता की जांच। ठीक है, उतार लीजिए इसको या फिर नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कीजिए पर करो। अगला जो इसका जो सेकंड है उसमें एस मान रखा है, ठीक है, एक्स की जगह एस, तो ये घबराना नहीं है कि एक्स से किया था हमने तो इसमें सो एस दे रखा है, कोई बात नहीं है, एस दे रखा है तो देने का क्या है, बाई भी दे दे, ठीक है, जेड भी दे दे, पी क्यू आर एस ए बी सी डी कुछ भी दे दे यार, सवाल ही तो करना है आपको, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अगला इसी का देखिए पांचवा देख लीजिए। देखिए मैं इन सवालों को छोड़ क्यों रहा हूं, क्योंकि देखिए मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको बिल्कुल समझा ही दिया, ठीक है, और वैसे भी मैंने आपको अब ये यहाँ पे जो प्रश्न का जो पहला जो प्रश्न है ये मैंने बता ही दिया, इसी तरीके से होंगे सारे प्रश्न। यदि आप है ना खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, खुद करोगे ना सवालों को, तो बहुत ही इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है, आपके समझ में आएगा। देखिए सवाल अब ये मत करना आप कि यहाँ पे अरे सर ने तो ये सवाल ही नहीं कराया है, ऐसा नहीं करना है कि आप जाएं और आप संजीव पास होकर या फिर और किसी में से देख लें कोई भी, ठीक। छोड़ने का मकसद ये है कि आप है ना इन सवालों को खुद से करें ताकि आपके समझ में आए। किसी सवाल को संजीव पास होकर और अदर चीज में से उसका आंसर देखने के बजाय यदि आप खुद उस पर 10-15 मिनट या आप उस पे बताओगे ना, तो आपके समझ में आएगा कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ, कैसे हुआ, और आप उसको कभी नहीं भूलोगे, समझ रहे हो। तो ये नहीं कि आप किसी अदर चीज में से देख के उतार लिया, हाँ ये हमारा सवाल हो गया बस, ठीक है, ठीक। तो अब अगला है इसका मैं दूसरा तीसरा नहीं करा रहा, चौथा करा देता हूं। आप सोच रहे होंगे कि ये थोड़ा कठिन सा लग रहा है, ठीक है, इसी का चौथा, चौथा क्या है, 4u² + 8u, ठीक है। अब देखिए इसमें c तो दे ही नहीं रखा, a का गुणांक और b ये दे रखे हैं बस, x u² दे रखा है और u दे रखा है, ठीक है। अब हमें करना क्या है इन दोनों में, देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आ रहा है क्या, आ रहा है 4u u + 2, ऐसे लिख दे, लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। तो 4u बराबर क्या है, 0, और एक हो गया u + 2 बराबर 0, u बराबर क्या आ गया, एक तो आ गया 0 और एक आ गया u बराबर माइनस का 2, ठीक है। इसको हम अल्फा मान लेते हैं, अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर माइनस का 2, ठीक है। अब शून्यकों के गुणांक सत्यता की अब हमें जांच करनी है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, होता है या नहीं होता। अल्फा का मान कितना है 0 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस 2, ठीक है, माइनस 2 बराबर। अब इसमें देखिए मैंने यहां पे लिखे नहीं है तो यहां पे लिख देते हैं एक बार, ए का मान कितना है यहाँ पे 4, बी का मान कितना है यहाँ पे, बी का मान 8 है, नहीं है भाई, है ना, और सी का मान यहाँ पे कितना है 0,
है ना भाई, कुछ ही नहीं दे रखा सी का मान, तो जीरो ही मानेंगे हम, ठीक है। तो माइनस बी, बी का मान 8 रख दीजिए, माइनस में आ जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है वहां पे पहले से, और ए बराबर कितना है 4 है, क्या है 4, तो ये माइनस का 2 बचा और ये भी माइनस का 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस वो 8 में जब 4 का 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो एल एच एस बराबर आर एच एस, बड़ा ही सरल है, ठीक है। कठिन गणित को समझा जाता है, टीचरों के द्वारा बताया जाता है कि गणित कठिन है, कठिन नहीं है यार, कुछ भी कठिन नहीं है जीवन में यार, कोई भी काम, ठीक है। यदि आप उसको करें ना और करने बैठ जाएं किसी काम की यदि ठान लें, तो कोई भी काम कठिन नहीं है। दशरथ मांझी का नाम तो आपने सुना ही होगा। हम सोचते हैं कि पहाड़, पहाड़ को फोड़ना बहुत ही कठिन है और बहुत, ये तो कितना बड़ा है, उस एक आदमी ने पहाड़ को तोड़ तोड़ के उसने रास्ता बना दिया है? वो भी तो आदमी है, हम भी वही आदमी है, वही हाड़ मांस के पुतले है? वही ईश्वर ने उसके लिए दो हाथ दिए हैं, हमें भी दो हाथ दिए हैं, उसके लिए दो पैर हैं तो हमें भी दो पैर दिए। उसने कितनी मुसीबतों का सामना करके एक रास्ता बना दिया और आज सभी जनसाधारण के लिए काम में आता है। तो ये नहीं कि कठिन है गणित, ऐसा कुछ नहीं है कि गणित कठिन है, समझने में कठिन है। यदि आप दिमाग से किसी भी चीज को कठिन समझोगे तो आपके लिए वो बहुत ही कठिन लगेगी, और यदि आप उसको सरल समझने की कोशिश करोगे तो वो बहुत ही सरल होगी। सोच का फर्क है। अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा भाई गुणा गुणा शून्यकों का गुणा क्या है, सीवा कौन ए। तो अल्फा का मान कितना है यहाँ पे 0 और बीटा का मान कितना है -2 बराबर। सी का मान 0 और ए का मान 4 है, ये 0 हो गया और ये भी 0 होगा। एल एच एस बराबर आर एच एस आ गया, हो गया समझ में। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बगल में हट जाता हूँ साइड में। तो बाकी के सवाल आपको खुद स्वयं से करने हैं। अगला प्रश्न है आपका दूसरा, इसके सारे जो क्वेश्चन है आपको खुद से करने हैं। यदि किसी में दिक्कत आए ना, यदि नहीं हो रहा हो तो बता देना, आप मेरे को मैसेज करके वो कमेंट में बता देना कि सर ऐसे ऐसे ये सवाल नहीं हुआ और आप इसको समझा दें, मैं अलग से वीडियो बना के आपके लिए समझा दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पढ़ देता हूं आप, मैं आप अपनी किताब में देखिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग, ठीक, तो शून्यक और शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, कितना है शून्यकों का योग तथा गुणनफल और अल्फा इंटू बीटा। क्या कहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल दी गई संख्याएं, और वे नीचे लिखी हुई है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या लिखी हुई है, 1/4 और -1, ठीक है। तो शून्यकों का योग क्या है, 1/4 क्रम से लिखी हुई है ना, और वो क्या है, क्या है गुणा, गुणनफल क्या है माइनस का 1। अब हमें क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब द्विघात बहुपद होता क्या है ज्ञात करने के लिए, कि पी एक्स स्क्वायर बराबर पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा और बीटा। अब ये जो मान दे रखे हैं ना बड़े सरल हैं, ठीक है, आप इनको इसमें रख दीजिए और सीधा ही आपका आंसर आएगा जो भी प्राप्त होगा। अब देखिए थोड़ा हल्की कर लेना है कि ये जैसे ये संख्या दी हुई है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 और इनटू में एक्स ही है प्लस, ये एल्फा और बीटा गुणा गुणनफल है तो इसका मान क्या है -1, ठीक है। तो ये -1 तो प्लस हट जाएगा, ये -1, ठीक है। अब ये जो 4 है ना, 4 इसका गुणा कर दीजिए, ये आ जाएगा आपका 4x² - x और माइनस का 4, ठीक है। ये पी एक्स बराबर क्या आ गया, ये आपका बहुपद प्राप्त हो गया। और यदि इसको हम
समीकरण में बदल देंगे, तो समीकरण में हम बदलने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस चार बराबर जीरो। ठीक, ये तो बहुपद हो गया, ये हो गया अपना समीकरण। अगला है इसी तरीके का, हाँ क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का मान मतलब योग दे रखा है, योग कितना दे रखा है, इसी का तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या है जीरो और पांच है, तो योग जीरो और अल्फा बीटा का गुणनफल क्या है पांच है, रख दीजिए इसी में, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये या आपको याद करना है अल्फा और बीटा का मान, अब एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग कितना है जीरो, तो जीरो इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना दे रखा है पांच गुणा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर जीरो का गुणा करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, और तो इसको तो हम देखेंगे क्या, ठीक है, और ये प्लस में पांच आ जाएगा। ठीक, पी एक्स बराबर, ये बहुपद आ गया अपने, समझ रहे हैं। अगला तीसरा हो गया, अब क्या कराना है इनमें है? आप खुद कर सकते हैं इनको, आपको हो गया सर इसका दूसरा, दूसरे में थोड़ी गड़बड़ है। अरे कुछ नहीं है उनमें गड़बड़, देखिए करना क्या है आपको, दूसरे के दूसरे में एक तो योग दे रखा है रूट दो और एक एक बटा तीन, तुम्हारी तरह जब हम भी थे ना तो ऐसे इन अंडर रूट को देख के बड़े घबरा जाते थे, पर आजकल डर नहीं लगता इनसे, कितने भी रूट आ जाए चाहे क्यूब आ जाए। ठीक है, तो पी एक्स बहुपद याद करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा, ये बार बार लिखना पड़ रहा है, याद करना आपको इस तरीके से, जब बार बार आप खुद से करोगे ना तो याद हो जाएगा। पी एक्स बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, मान रख दीजिए इसमें, ये इसका मान कितना है माइनस, भाई एल्फा प्लस बीटा का मैंने मान रख दिया ना रूट टू अंडर रूट का, तो माइनस का चिन्ह तो है ये रूट टू एक्स प्लस एल्फा बीटा कितना है गुणा एक बटा तीन। ठीक है, इसको हम थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट दो प्लस वन इस तरीके से लिख सकते हैं हम उसको। ठीक है भाई, इसका हम लेसर ले लेंगे ना, लेसर लेंगे, समझ रहे हैं। तो ये आपका सवाल हो गए, और बाकी क्या आपको खुद से करने हैं, यदि कहीं भी कोई समस्या आए तो आप अवगत करा सकते हैं, बाकी आप अपना ध्यान रखें, बरसात का मौसम है, कोई भी नदी नाला नदी नाले तालाबों में ये नहीं कि तैरने के लिए चले जाएं, बिल्कुल भी ना जाएं, फिलहाल में तो बिल्कुल ना जाएं। ठीक है, बाद में पानी भरा रहेगा खूब समय तक, तो आप तब जा सकते हैं, बाकी आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपने माता पिता का भी ख्याल रखें, और यदि आपको ये वीडियो ये क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आपकी 2.2 तो आज हो गई है एक्सरसाइज 2.2, ठीक है 2.3 के साथ में मिलते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, सभी एक बार प्रेम से बोलेंगे, बोलो राधे राधे।